भोजन से 10 मिनट पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उठने के 10 मिनट बाद एक्टिव होता है। आप क्या बनना चाहते हैं ब्लैक टी शर्ट में? कोई एम सेट किया आपने? एम क्या बनना? फुटबॉल कैसा प्लेयर? एक प्लेयर या कौन सा आइडियल सेट चाहिए? मैंने वैसा प्लेयर बनना है। अभी सोचा नहीं है, अभी सब खेल रहे हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बाहर बसें जा रही हैं, ऊपर बसें जा रही हैं। आप किसी बस में बैठे हैं? अगर आप बस में जाते हैं, आप बस वाले से पूछते हैं कि भैया बस कहाँ जा रही है? क्या कभी किसी ने ऐसे कहा है कि भाई साहब पता नहीं कहाँ जा रही है? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। बस वाला क्या कहता है? हैदराबाद जा रही है, फिर सिद्धुआ जा रही है, सिकंदराबाद जा रही है। बस का एम होता बस कहाँ जा रही है? इधर भी एम होता बस, टारगेट है बस का। आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? ट्रेन का टारगेट होता है कहाँ जाना है। आपने खेलना शुरू किया है लेकिन क्या नहीं बनाया है? एम नहीं बनाया है, टारगेट नहीं बनाया है। आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए? बेटा बोले क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। क्या इसलिए अभी क्या करेंगे? एक मिनट के लिए आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। जहाँ मैं भाई सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लोज योर आईज। आप खड़े हैं, बैठ सकते हैं, अब करके देखिए रहिश आईज क्लोज कर लीजिए। और आपसे जो खड़े हैं अगर आप साइड पर बैठ हैं, प्लीज बैठ जाए। बहुत खुश सीखने वाले हैं, बहुत खुश सीखने वाले। दोनों बाहों को फैला कर बोलिए, I am always a winner. I like everybody. Everybody likes me. और उस पहाड़ की चोटी से फिर से खेल के मैदान में आ जाएं। जिस मैदान में आप खेलते हैं वहाँ मिट्टी को अपने हाथ में उठा लें, उस मैदान की मिट्टी को, और उस मिट्टी से कहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिन पाँव के ऊपर आप दौड़ते हो, जिन पाँव जिन लेग्स के ऊपर आप दौड़ते हैं, उन लेग्स से बोलिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। से बोलिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। जिस रैकेट से आप खेलते हैं, जिस फुटबॉल से आप खेलते हैं, जिस बॉल से आप खेलते हैं, उस बॉल को अपने हाथ में उठाए। इमेजिन करें वो बॉल आपके हाथ में है, उस बॉल से कहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा मेरे हेल्प करते हो। उस बॉल से, उस रैकेट से कहें, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। थैंक यू। क्या लगा? बहुत रिलीफ फील हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। येलो टी शर्ट पहनेंगे आप प्लीज? हाँ मैम, आप में से किसको अच्छा लगा? आपको कैसा लगा मैम? क्या फील किया आपने? क्या फील किया? वेरी रिलैक्सिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको क्या फील हुआ? इट वाज वेरी प्लेजेंट। बहुत अच्छा जी, ताली बजाएंगे इस मेडिटेशन के लिए। गेम मैदान में जीतने से पहले कहाँ जीती जाती है जी? पहले माइंड में जीती जाती है। सबसे पहले कहाँ जीती जाती है? माइंड में। अभी दीदी कुछ रशिया के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम कोचेस, इंटरनेशनल कोचेस, उन्होंने ये कहा कि गेम खेलने से पहले क्या है, कहाँ इमेजिन करें उसको? यहाँ इमेजिन करें कि आप खेल रहे हैं और आप जीत रहे हैं। जैसा आप इमेजिन करेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आपने एटॉमिस का नाम सुना है? आपने एटॉमिस,
वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने एक बार गोल के सामने, ध्यान दीजिए मेरी बात को, एटोनिस सामने गोल था, गोल पोस्ट था, पास में उनके फुटबॉल थी, वो हमेशा जब भी फुटबॉल किक करते थे फुटबॉल गोल पोस्ट के अंदर जाती थी, लेकिन उनके मन में एक दिन आया, कहते मुझे लगता है मैं तो किक करूँगा तो जो फुटबॉल है ये गोल पोस्ट के बाहर चली जाएगी। हमेशा जब भी किक मारते थे फुटबॉल गोल पोस्ट के अंदर जाती थी, लेकिन एक थॉट आया कि आज वो बाहर जाएगी, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ होगा? उन्होंने किक किया, फुटबॉल कहाँ गई? गोल पोस्ट के बाहर चली गई। आपको ये कहा जाए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है जिससे आपकी फाइट होने वाली है वो तो यूएस से ट्रेनिंग लेकर आया है, वो तो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आया है और उसने तो उसको हरा दिया है और आपका भी 10 मिनट में उससे मैच होने वाला है, अभी मन में क्या आएगा आपके? हमें जीतना होगा। भाई आप सबका ध्यान कहाँ रहा, आप इसे पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप सभी मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए गए हैं, फुटबॉल खेलने के लिए गए हैं, मैच खेलने गए हैं, जैसी टीम सामने आपकी आती है किसी ने ये कहा कि जिससे आपकी फाइट होने वाली है वो टीम तो यूएस से ट्रेनिंग लेकर आई है, अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आई है और इसने तो उसको भी हरा दिया है और आप इनके सामने क्या हो, ऐसा किसी ने कहा आपको मैच से पहले, आपके मन में क्या रहेगा उसके बाद? आपके अंदर कितनी भी ताकत क्यों ना हो आप कभी उनसे जीत ही नहीं सकते, हो सकता है कि आपके अंदर उससे ज्यादा ताकत हो लेकिन मन में पहली बात क्या आ गई है कि वो किसने बिठा दिया, सिर्फ एक आदमी ने, मान लीजिए एक आदमी आपके पास आया उसने ये कहा वो तो बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ उस आदमी ने क्या किया आपकी ताकत को कम कर दिया और उनकी ताकत कोई उनकी ताकत नहीं है लेकिन आपकी ताकत को क्या कर दिया, कम कर दिया सिर्फ एक लाइन ने, लेकिन आप अपनी ताकत को मेंटेन रख सकते हैं सिर्फ इस थॉट के साथ, जब भी वो कहे कि आपका मुकाबला सामने वाले से हो रहा है और वो बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ मेरी बात ध्यान सुनिए, रेड टी शर्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम बहुत दूर चंडीगढ़ से आए हैं सिर्फ आपसे डिस्कस करने के लिए कि आपका फ्यूचर बन जाए, इन 10-15 मिनट में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप ध्यान देंगे तो, आई एम सेइंग अगर आप सभी ध्यान देंगे इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। शायद मैं समझता हूँ कभी माइंड पावर पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने फोकस नहीं किया कि व्हाट इज पावर ऑफ माइंड, सो आई एम वांट टू टेल यू अगर आपने उस वक्त ये बोल दिया कि मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हूँ सामने कोई भी आए मैंने ही जीत रहा है, आप यकीन मानिए आपकी 50% जीत वहाँ पक्की हो जाती है, जोर से बोलिए who's going to win, just after 4 days of practice this is a fact of what, just before the long jump he said he was sitting and just practiced and full of confidence, full of power, full of energy and these 7-8 lines empowered him. Do you want to practice these lines? Stand up. Just stand up. अपने racket को रखते हैं side में, इसे रखते हैं कि पीछे रखते हैं racket को? खड़े हो जाएंगे? Yes बोल के तो नहीं बोल सकते, yes बोलो। अपने arms को ऐसे कर लीजिए like this. Arms को ऐसे कर लेंगे strong. और ताकत से करेंगे ऐसे, ऐसे ताकत से ऐसे full. Close your eyes. आंखें बंद करिए और फुल ताकत से कहिए आई एम द बेस्ट, आई एम फुल ऑफ पावर, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, विद बोथ आर्म, दोनों हाथ से, दोनों आर्म से कर रहे हैं, मेरे पास एक में तो माइक है ना इसलिए मैं एक ही से कर रहा हूं, दोनों तरफों से, आई कैन नॉट स्पीक, सो यस डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम फुल ऑफ पावर, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। I am full of courage. I am
मास्टर ऑफ यूनिवर्स आई एम ऑलवेज हैप्पी कीप योर आईज क्लोज्ड आई एम ऑलवेज हैप्पी आई एम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आई एम द बेस्ट आई एम ग्रेट आई एम एनर्जेटिक आई एम द बेस्ट आई एम अ फाइटर अमेरिकन्स या चाइनीज क्यों ज्यादा कोल्ड जीतते हैं हम उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल प्रैक्टिस हमारी उनसे कई गुना ज्यादा है लेकिन फिर भी वो क्यों जीतते हैं व्हाई बिकॉज़ दे प्रैक्टिस दे गो फॉर मेंटल प्रैक्टिस दे गो फॉर मेडिटेशन दे गो फॉर फोकसिंग ऑफ द माइंड मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ 10 to 20 मिनट्स डेली फोकस करिए अपने ऊपर यू विल सी मैं चंडीगढ़ में बताता हूँ आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ देर इज वन प्लेयर उसके लेग में उसके नी में चोट लगी डॉक्टर ने कहा कभी खेल नहीं पाओगे उसने सिर्फ माइंड पावर से अपने नी को ठीक कर दिया सिर्फ इमेजिनेशन से विल यू बिलीव इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ माइंड ही क्योर्ड हिज एल्बो हिज नी कैसे किया वो रोज इमेजिन करते थे कि यूनिवर्स की लाइट आ ध्यान दीजिए क्या इमेजिन करते थे यहाँ अगर पेन हो रहा है अभी किसी को पेन हो रहा है यहाँ पर पेन तो नहीं हो रहा है किसी को एवरीबॉडी इज हेल्दी वो क्या इमेजिन करते थे कि यूनिवर्स से लाइट आ रही है और इस नी पर पड़ रही है इस नी के अंदर लाइट जा रही है प्रॉब्लम नी के अंदर थी और नी बिल्कुल ठीक हो रहा है ऐसे 10 मिनट्स मेडिटेशन करते थे डेली यूनिवर्स से लाइट आ रही है और नी से बोलते थे यू आर माय फ्रेंड यू आर कम्प्लीटली हेल्दी यू आर ऑल राइट ऐसे कमांड करते थे नी को और करीब 2 महीने के बाद ये पोजिशन आ गई थी कि उन्होंने चलना शुरू कर दिया वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे फोकस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे क्योंकि हमको मेडल लेना है ठीक है अगर कोई खजाना कहाँ खुल रहा है तो हम लापरवाह होकर इधर उधर देखेंगे बहुत केयरफुली हमारी बात सुनेंगे ओके डन शांति से सुनेंगे आराम से बैठ स्पेशली पेरेंट्स ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं आप नेचुरली इस बात को आप समझेंगे और अपनी लैंग्वेज में अपने बच्चों को आप समझाएंगे या उनको सहयोग देंगे उनसे करा के देंगे देखिए वो मुझे याद आ गई एक बात ऐसा ही एक सेशन हमने कहीं लिया था अलग अलग गेम के बच्चे आए थे उनके साथ कुछ पेरेंट्स भी थे एक गायत्री नाम की लड़की आई थी इतनी हो गई अपनी माँ के साथ वो लड़की क्रिकेट खेलती थी वो लड़की क्रिकेट खेलती थी हर